वीडियो पे यार। आज की वीडियो में यार अनबॉक्स करने वाले रियलमी बर्ड्स एयर नियो को। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट दिया हुआ है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो साथ में आपको सुपर लो लेटेंसी वाला यहाँ पर R1 चिप मिलता है रियलमी का। साथ ही में डायनेमिक बास बूस्ट, यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर मिलते हैं। साथ में ओपन ऑटो कनेक्ट मिलता है और ब्लूटूथ 5.0 AAC वाला आपको मिलता है। साथ ही में स्मार्ट टच आपको यहाँ पर मिल जाता है और टोटल आपको बॉक्स के साथ यहाँ पर केस के साथ 17 घंटे का पावर बैकअप मिल जाता है, जो कि यार मेरे ख्याल से ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर हमने परचेस किया, देख सकते हो। और यहाँ पर इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले तो। सो गाइस यहाँ पर अनबॉक्स करने के बाद पूरा रैपर हटा दिया और अंदर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले तो इसकी बॉक्स जो केस है वो, और केस के अंदर ही आपको रियलमी बर्ड्स एंड नियो दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यार ग्लॉसी डिज़ाइन है, इसीलिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपकी लग जाएगी, स्क्रैचेस पड़ने वाले, ठीक है। तो आप केस ले ही लो, वो भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ टिप्स दी हुए हैं, आप चाहो तो टिप्स को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर टच कंट्रोल्स, डिस्प्ले, बैटरी और पेयर, फैक्ट्री सेट, ये सब आप कैसे कर सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पीछे की साइड कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। और यहाँ पर इसके नीचे माइक्रो USB केबल, जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मिनिमम 3 to 4 hours लगते हैं यार चार्ज होने में, तो होने दो, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो USB केबल है, बहुत बड़ी केबल दे दी है भाई रियलमी वालों ने इस बार, तो ठीक से चार्ज में लगाना, ठीक है। ये केबल का यूज़ करना मत, यहाँ पर अच्छी है यार, बुरी नहीं है, बहुत छोटी है। यहाँ पर स्टार्ट गाइड टू रियलमी बर्ड्स एंड नियो, और भाई पूरा का पूरा यूज़र मैंने आपको दिया हुआ है। यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप का QR कोड दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो नहीं करने वाला भाई, यहाँ पर गूगल स्मार्ट कनेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर रियलमी बर्ड्स एंड नियो का पूरा पूरा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ कि कौन सा बटन कहाँ पर है और कौन सा फीचर कैसे काम करेगा, ठीक है। आप पहले पढ़ लो, पढ़ना नहीं है तो भाई वीडियोस देखो अपने, ठीक है। अपने वीडियोस में सब कुछ मिल जाएगा, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको चार्ज करना है, और इसका कोई एडवांस फीचर है कि नहीं, कोई हिडन फीचर है कि नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर इस रैपर को सबसे पहले हटाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिज़ाइन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बाहर की साइड आप देख सकते हो डिज़ाइन बाय रियलमी प्रिंट किया हुआ है, लेकिन भाई कलर ही ऐसा है ना कि आपको दिखेगा ही नहीं। तो यार यहाँ पर फोकस भी नहीं हो रहा था, कैमरा मैंने 3-4 बार फोकस करने का ट्राई किया, तब जाके यहाँ पर फोकस मिला। और भाई कलर भी ऐसा है वाइट जैसा, तो हो ही नहीं रहा था। और एक गलती हो गई भाई, यहाँ पर गूगल का स्मार्ट कनेक्ट ऑन हो गया, इसीलिए यहाँ पर वीडियो कट हो गया, देख लो यहाँ पर वीडियो कट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओपन हो गया था भाई गूगल जो स्मार्ट कनेक्ट है वो, और डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका था, कोई भी मेरे को पैर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। जैसे मैंने बॉक्स खोला वैसे ही ओपन हो गया, केस खोला तुरंत ही। तो भाई यार आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऑटो कनेक्ट है रियलमी बर्ड्स वायरलेस की तरह। आपने नहीं देखी तो वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं।